थाना क्षेत्र के दूधा एड़ी गांव में एक व्यक्ति को उसके घेर में सोते हुए उसकी हत्या कर दी गई थी। इस केस के खुलासे के लिए 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया था और आज इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। क्षेत्राधिकारी खतौली और SHO मंसूरपुर के नेतृत्व में जो टीमों ने घटना को वर्कआउट किया है, इसमें जो मृतक है उसका दामाद और उसका साथी जो है वो इसके हत्यारे निकले हैं। और जब इनको हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपनी जो जुर्म है उसको इकबाल किया है और इन्होंने बताया घटना का कारण कि जो मृतक उसकी बेटी जो है इसकी लगभग 6-8 महीने पहले शादी हुई थी और पिछले कई दिनों से इनके बीच में जो है वो पति पत्नी में अनबन चल रही थी और 7 दिन पहले जो है वो ये इसकी बेटी अपने मायके आ गई थी। और इसी चीज़ को लेकर जो अभियुक्त है उसका नाम अंकुर है और उसका साथी हिमांशु, अंकुर जो है वो हताहत था इस बात को लेकर और उसने जो है वो इसको मारने का प्लान बनाया और अपने साथी को लेकर रात में ये अपनी मोटरसाइकिल से आए, इन्होंने बेसबॉल के बेट पे वार करके और इनको सोते हुए मारा और फिर इसके बाद ये वहाँ से चले गए। पुलिस ने CCTV फुटेज और अन्य सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए इसमें घटना का अनावरण किया है। इनकी निशानदेही से जो आला कतल है उसको बरामद किया गया है, घटना के वक्त जो पहने कपड़े हुए थे उनको बरामद किया गया है और बाकी सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। सर पहले भी कोई मुकदमा दर्ज है? अभी तक जो जितना पुलिस पूछताछ में पता चला है इनके खिलाफ पहले किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं पंजीकृत है, ये इनके खिलाफ जो इनका पहला अपराध है। उसकी अपने ससुराल में कुछ अनबन चल रही थी और इसी को लेकर जो है वो मृतक और उसके परिवार वाले अपनी बेटी के ससुराल में गए थे और वहाँ पर उसमें आपस में बात सुनी और गहमागहमी हो गई थी। उसी के बाद जो है वो ये तो इसका दामाद जो है और मार दिया। ये लोग जो है वहाँ पे घटना करने के बाद हो गए सर।